हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा चुका है। 10 दिसंबर 2019 को ये परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट करा ली गई थी और 3 शिफ्टों में ये पूरा पेपर यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। और यहाँ पे आप सभी लोगों को देखिए आंसर की भी प्रोवाइड करा दी गई थी, जिसकी अंतिम तारीख रखी गई थी यहाँ पे 15 दिसंबर 2019। आप सभी लोगों ने इस डेट तक अपनी अपनी यहाँ पे आंसर की डाउनलोड कर ली है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपकी लगभग लगभग कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है, देखिए इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और लास्ट डेट ये किस चीज की बढ़ी है ये मैं आपको बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग की है और चॉइस फिलिंग देखिए आप लोगों की जो यहाँ पे इनेबल्ड कराई गई थी वेबसाइट पे, जो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट थी, वहां पे बोला गया था एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को प्रोग्राम स्टडी सेंटर यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फिलिंग के तौर पे वहां पे भरने थे। उसकी लास्ट डेट आप बढ़ा दी गई है और मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पे कितनी लास्ट डेट हो गई है और पहले यहाँ पे कितनी लास्ट डेट थी। तो बिल्कुल यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करूंगा, सीधे से मैं अपडेट की ओर आपको यहाँ पे ले चलता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी होगी वो भी मैं इसमें यहाँ पे पूरी इंक्लूड कर लूंगा। तो सीधे से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एमपी ऑनलाइन का ये जो पोर्टल है और यहाँ पे पूरी जानकारी आई हुई है। और इससे पहले मैं आपको नोटिस बता देता हूँ जिसमें वो जानकारी आई थी पहले जो लास्ट डेट रखी गई थी। दोस्तों, ये पुराना नोटिस है जिसमें यहाँ पे लिखा था चॉइस फिलिंग दिनांक 5 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को पता है 15 तारीख इसकी यहाँ पे लास्ट डेट रख दी गई थी। अब लेकिन ये जो लास्ट डेट है यहाँ पे ये बढ़ा दी गई है और अब मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूँ अब यहाँ पे कितनी लास्ट डेट यहाँ पे हो चुकी है। तो वेबसाइट की ओर हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये काउंसलिंग गतिविधियां का ये जो ऑप्शन है और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो शुरुआत का ये जो ऑप्शन दिया गया है प्रोग्राम स्टडी सेंटर चॉइस फिलिंग, तो 6 दिसंबर से आप लोगों को 18 दिसंबर तक का समय मिल चुका है। मीन्स 15 दिसंबर इसकी यहाँ पे लास्ट डेट थी, अब यहाँ पे देखिए 18 तारीख हो गई है और मतलब कहने वाली बात यह है कि 3 दिन का और यहाँ पे आपको समय मिल गया है। आप लोग अपनी अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लीजिए और काफी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी अपनी चॉइस फिलिंग नहीं की है, जल्द से जल्द जाइए। 18 तारीख तक का आपके पास समय है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपको आगे का जो स्टेज रहने वाली है मीन्स जो काउंसलिंग की जो रहेगी, मार्क्स जब आप लोगों के आ जाएंगे, स्कोर कार्ड जब आ जाएंगे तब आप लोग की चॉइस फिलिंग होगी। और अगर अभी आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा और आपको काफी दिक्कत यहाँ पे आ जाएंगी। तो 18 तारीख तक का आपके पास यहाँ पे समय है, जल्द से जल्द यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कराएं। प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो भी आपकी मनपसंद यहाँ पे चॉइस रहने वाली है उसकी आप लोग लिस्ट बना के वहां पे उनको भेज दीजिए और थोड़ी बहुत पेमेंट भी इसकी यहाँ पे, एक्चुअली इसकी यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं है सॉरी, और यहाँ पे आप लोगों को अपनी अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे करके भेज देनी है। तो कोई भी इसमें आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है और कोई भी यहाँ पे आपको फीस नहीं देनी है और बड़े आराम से आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। एमपी ऑनलाइन के सेंटर पे जाइए, वहां पे अपनी अपनी डिटेल्स दे जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पे उनको बता दीजिएगा और वहां पे आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग वहां पे कर सकते हैं और जल्द से जल्द जाइए, 18 दिसंबर तक का आपके पास यहाँ पे समय है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे जोड़ता है कैंडिडेट्स का कि कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करानी है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जून 2019 के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे इनका एग्जाम हुआ था पहले और अभी जो एग्जाम देकर आए हैं 10 दिसंबर 2019 को, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सभी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे 10 दिसंबर 2019 को यहाँ पे एग्जाम देकर आ चुके हैं इनको यहाँ पे कंपलसरी है यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस फिलिंग जरूर कराएं। ठीक है, और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जून 2019 के, अगर आपके पास देखिए मोबाइल पे मैसेज आया था तो आप लोग यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इसी जगह पे जाइएगा, ये जो कॉलम आपको प्रोवाइड कराया है तो आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कराएं। और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए अपनी अपनी डिटेल्स डाल के, तो भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर डिटेल्स आपकी खोल के आ रही होंगी चॉइस फिलिंग की तो आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। और जैसे कि देखिए पहले जो चरण रहने वाला है अलॉटमेंट का, फर्स्ट जो अलॉटमेंट आएगा उसमें जून 2019 के कैंडिडेट को भी वहां पे अलॉटमेंट मिलेगा और यहाँ पे 10 दिसंबर 2019 वाली भर्ती को भी वहां पे अलॉटमेंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैसेज भेजे गए हैं जून 2019 वाली भर्ती वाले कैंडिडेट्स को भी और 10 दिसंबर 2019 वाली कैंडिडेट्स को भी। तो कहने वाली बात यह है, अगर देखिए ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जून 2019 से, अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम देकर आए हुए थे तो आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग जरूर कराइएगा। और देखिए काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो यहाँ पे रिटन टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके थे, स्किल टेस्ट में रह गए, और काफी कैंडिडेट ऐसे थे रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर गए, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर गए लेकिन वहां पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए, फिर भी उनके पास मैसेज आया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, एक बार यहाँ पे पोर्टल ओपन करके अपनी अपनी डिटेल्स डाल के देख लीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन आगे निकल के आ रही है तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करा लीजिए और यहाँ पे आगे के जो भी स्टेप रहेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
और 10 दिसंबर 2019 वाले यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे कंपलसरी अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कराएं, और इसकी यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है, चाहे यहाँ पे 10 दिसंबर 2019 वाले कैंडिडेट हो, चाहे यहाँ पे जून 2019 वाली भर्ती के ये कैंडिडेट हो, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं इसमें और बताना चाहता हूँ, दोनों की यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो अलग अलग होंगे। इस भर्ती का जो है जून 2019 वाली, इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपकी सेम रहने ही वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग होगा। और 10 दिसंबर 2019 वाली भर्ती है, इसका भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अलग होगा। तो दोनों के यहाँ पे अलग अलग रहने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पे दोनों भर्तियों में बैठे थे तो आपको यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है, या फिर मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार अपनी डिटेल्स डाल के यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मार्केट में एमपी ऑनलाइन के सेंटर रहते हैं अवेलेबल, क्योस्क सेंटर जिसको कहते हैं, आप उनके पास जाइएगा और अपने यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग उनको बता दीजिए और बोल दीजिएगा कि हमारी चॉइस फिलिंग कर दें, तो वो लोग आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे, कोई भी इसका शुल्क नहीं लगेगा। और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, और ऐसा मैंने एक वीडियो भी कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, पूरी जानकारी मैंने आपको उसमें दे दी थी। और आपको देखिए इसमें काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है, और यहाँ पे जो मार्क्स जैसे बढ़ने हैं तो मैंने आपको बताया है, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मार्क्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे वीडियो नज़र आ जाएगा। दोनों वीडियोज़ को आप लोग यहाँ पे ओपन करके देख लीजिए, और आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कितने नंबर पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे कवर की है, और छोटी से छोटी जानकारी हमारे चैनल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। इसी तरीके से अपडेट चाहते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर करें इस वीडियो को, अगर लगता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई है, कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहते हैं, कोई भी अपडेट आप लोग चाहते हैं कि छूटे नहीं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो के नीचे जाइए, इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे ही आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर इसी तरीके से आती रहेगी, और कोई भी अपडेट और जानकारी आ रही है वेबसाइट पर वो आपसे यहाँ पे छूटेगी नहीं। और चाहे तो थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपका ये रिस्पॉन्स आएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।